वेलकम टू मनीष गुरु। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं UPPCS 2018 मेंस का जो पेपर हुआ था, जिसमें हम आज लेके आए हैं सामान्य अध्ययन पेपर टू। तो दो सेक्शन इसमें दिए गए हैं आपके, 200 मार्क्स का पूरा पेपर है, जिसमें से सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन था, कश्मीर मामले में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है, ये उत्तर सीमा इसकी जो 125 वर्ड्स में लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट था, उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, इनका सुधार के लिए सुझाव दीजिए। नेक्स्ट था, चुनावी बॉन्ड क्या है, क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है। नेक्स्ट था, भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों का क्या प्रभाव पड़ा है, इसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट था, प्रवासी भारतीयों का भारत की आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमरीकी वैसे संघीय व्यवस्था से भिन्न है, व्याख्या कीजिए। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट था, राज्यसभा के उन विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। आपको पता है राज्यसभा जो उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, तो राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन करना जो लोकसभा से भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के आम चुनाव में मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि BBPAT के प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन थे, जो शब्द सीमा इसकी थी 125 वर्ड्स। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी में, इसमें भी 10 क्वेश्चन थे, तो इसकी शब्द सीमा थी 200 वर्ड। पहला 11th क्वेश्चन था, अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी, इस पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, OBOR के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रगति की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट था, धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया, यह इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, नीति आयोग के गठन के कारण उद्देश्य एवं कारणों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, गरीबी एवं भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या है। नेक्स्ट था, ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए, ई गवर्नेंस की विशेषताएं एवं लाभ का उल्लेख कीजिए, इसके सम्मुख मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। नेक्स्ट था, 2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार में संशोधन किया है, इन संशोधनों के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं, इसका विश्लेषण करें। नेक्स्ट था आपका, भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकार की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट था, भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट था, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के गठन एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन थे। पहले 10 क्वेश्चन वो आपको 125 वर्ड में लिखने थे, नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन थे दीर्घोत्तरी वो आपको 200 वर्ड्स में लिखने थे। तो इस तरीके से आपका पेपर आया था, पेपर अच्छा खासा था, टफ भी था।